गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, EDIM के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों को स्वागत है। आज जो अपन लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं वह है लेक्चर नंबर 7, फर्स्ट यूनिट का पार्ट है, और ये टॉपिक है अपना एंटरप्रेन्योरियल और एंटरप्रेन्योरियल माइंड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जैसे हमें डिस्कस सोचना भी चाहिए कि आजकल ये दोनों शब्द इतने क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं। और यदि इसका हम इस सवाल का जवाब ढूंढें तो एक नज़र आता है कि आजकल का जो बिज़नेस है, आजकल का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पर एक शब्द आ रहा है चेंज। बहुत जल्दी, बहुत फ्रीक्वेंसली आजकल टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, बिजनेस में चेंज आ रहा है, कस्टमर नीड में चेंज आ रहा है, प्रेफरेंसेस में चेंज आ रहा है। तो इसकी वजह से जो है कि ये भी देखा जा रहा है कि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो चाहे एंटरप्रेन्योर्स हो चाहे इंटरप्रेन्योर्स हो, इनका एक रोल है कंपनी के अंदर कि कैसे वो अपने न्यू बिज़नेस और न्यू मार्केट को कैप्चर करते हैं और कैसे न्यू मार्केट और न्यू बिज़नेस के थ्रू कस्टमर्स को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो कंसेप्ट है, ये क्या कहता है, इट इज़ सीन एज द प्रोसेस ऑफ अनकवर एंड डेवलप एन अपॉर्चुनिटी। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, हम एक अपॉर्चुनिटी को डेवलप कर रहे हैं। किस चीज़ की, कि हम इनोवेशन के थ्रू अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करके बिना किसी ह्यूमन और कैपिटल को चेंज किए हम अपने न्यू बिजनेस और न्यू मार्केट को बना सकते हैं। ऐसे ही एंटरप्रेन्योर क्या कहता है, एंटरप्रेन्योर रिप्रेजेंट करता है वो आइडिया या एक इनिशिएशन या इम्प्लीमेंटेशन जिसके अंदर उसने कुछ नया डिज़ाइन किया है, नया कुछ खोजा है और ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए ही उसने इस काम को अंजाम दिया है। और इसके अंदर हम ये भी कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर के लिए वो पर्सन जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और किसी सुपरवाइज़र के अंडर में रहते हुए उसने कुछ नया सिस्टम, नया इनोवेटिव आइडिया को फाइंड आउट किया हो, जैसे चाहे इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया हो, चाहे रिसोर्सेज के पार्ट पे उसने कुछ इम्प्रूवमेंट किया हो, ऐसे ही ऐसी कोई चीज़ जो पहले कभी नहीं हुई थी उस वे में, वहाँ पे वो कुछ नया सिस्टम को लेके आए, तो वो पर्सन कहलाता है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एंटरप्रेन्योर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि आप भी नए आइडियाज़ और नए सिस्टम को खोजिए। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू काम कर सकता है। यहाँ पे वो अपनी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए एक एंटरप्रेन्योर काम कर सकता है, पर यदि वो ऑर्गेनाइजेशन से हटके अपना कुछ सेटअप करना चाह रहा है तो फिर वो एंटरप्रेन्योर की तरफ चला जाएगा। तो यदि एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है जिसके अंदर वो काम कर रहा था और वहाँ पे उसने कुछ नया ढूंढा, तो वो उसको क्या करता है, वो उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा सकता है, अपनी बिजनेस स्किल्स को प्रोवाइड करवा सकता है, मार्केटिंग प्लान में उसको गाइड कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में वो उसको प्रोवाइड हेल्प कर सकता है। तो यदि हम देखें कि आजकल क्या है कि कुछ कल्चर से आ गया है नई आइडियाज़ को ढूंढना, कुछ नए इनोवेशंस को ढूंढना। तो यदि टुडे अगर हम देखें कि बहुत किसी भी बिज़नेस में यदि आपको हाइपर कॉम्पिटिशन है और हर कंपनी पर प्रेशर है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को एंटरप्रेन्योर की तरफ डेवलप करें, उनकी स्पिरिट को डेवलप करें, ताकि उनकी बिज़नेस, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो और ज़्यादा सक्सेस की तरफ चला जाए। तो एंटरप्रेन्योर के लिए मैनेजर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, कोई भी जो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, यदि उसको लगता है कि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हो, चाहे उसके इम्प्रूवमेंट में हो, चाहे उसके प्रोसेस में हो, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर सकता है। एंटरप्रेन्योर क्या है, कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता या उनको ये कई बार अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया जाता ड्यू टू सम चीज़ें। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं या फिर वो अपने नए आइडिया पे काम करने लगते हैं। तो यहाँ एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड चला जाता है, पर कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो अपने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ये स्पिरिट डेवलप करती है कि वो एंटरप्रेन्योर बने। जैसे सोनी का हमारे सामने एग्जांपल है, फेसबुक हमारे सामने एग्जांपल है। सोनी का आप सभी को पता होगा, आज दुनिया में सबको, हर कोई बंदा इस सोनी नाम को जानता है। सोनी का जो प्ले स्टेशन था वो एक उनके जूनियर एम्प्लॉय ने फाइंड आउट किया था, जिनका नाम था कैन कुटारगी। इन्होंने कई सारे आवर्स को उसमें स्पेंड किए थे और उन्होंने एक यूज़र फ्रेंडली एक आइडिया निकाला था कि कैसे बच्चे जो हैं घर पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं और टाइम वेस्ट ना करें। तो इसके लिए धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने सुपीरियर के साथ मिलके इस नए प्ले स्टेशन को फाइंड आउट किया था। ऐसे ही फेसबुक का भी नाम आप सभी जानते हैं, सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। तो एक डॉक्यूमेंटेड इनिशिएटिव के अंदर उन्होंने नेटवर्किंग में एक हैकाथॉन शुरू किया था और उस हैकाथॉन में उन्होंने सभी कोडर्स को बुला के कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराया था, जहाँ पे एक आइडिया आया था जिसको हम लोग कहते हैं लाइक,
आज जो लाइक बटन है ये भी आपके यहाँ पे एक तरह से इंटरप्रेन्योर के थ्रू ही डेवलप हुआ था। यदि हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें, एडवांटेज नज़र आता है पहला कि मोटिवेशन। तो यदि आप नया बिज़नेस लगाना चाहते हैं, नया बिज़नेस का वेंचर खड़ा करना चाहते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, या चाहे आप इनसाइड ए कंपनी हो, तो भी लोग मोटिवेट होते हैं टू बिल्ड ए टू गिव एन आइडिया। और कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो भी एंकरेज करती है एम्प्लॉयज़ को ताकि वो आइडियाज़ को दे और एक प्रॉपरली राइट वर्किंग एनवायरनमेंट को हम डेवलप कर सकें। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पे हम इनोवेशंस को एनकरेज भी कर सकते हैं, नए आइडियाज़ को एनकरेज कर सकते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करा के भी आइडियाज़ डेवलप किए जा सकते हैं। सपोर्टिंग ट्रायल एरर और फेलियर के बेसिस पे भी हम लोग क्या करते हैं, ये लोग मोटिवेट होते हैं। तो टीम वर्क में काम करके भी ये लोग मोटिवेट होते हैं ताकि नए आइडियाज़ डेवलप हो सके। ऐसे ही आता है स्टेबिलिटी। कुछ फर्म क्या करती हैं, वो अपने यहाँ पे इनोवेशन करने के लिए या ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट में इम्प्रूव करने के लिए, नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देती है ताकि वो कुछ नया करके दिखाएं। तीसरा एडवांटेज क्या होता है, टैपिंग न्यू मार्केट। चाहे एंटरप्रेन्योर हो चाहे एंटरप्रेन्योर हो, अपने नए प्रोडक्ट और नई चीज़ों के लिए उनको नया मार्केट मिलता है। ऐसे पर्सन के बारे में सोचिए जो कि ग्रुप में रहते हुए उसने एक नया मार्केट और एक नई इकोनॉमी डेवलप कर ली हो। हमारे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। तो कई बार क्या इकोनॉमी के अंदर देखते हैं कि कई सारे लोग हैं, बहुत सारे पर्सन्स काम कर रहे हैं, पर कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करना प्राइम इंपॉर्टेंस माना जाता है। तो यदि मान लीजिए आप अपने नया बिज़नेस का वेंचर लगा रहे हैं, उसको ग्रो करना चाहते हैं, अपने एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं और अदर बिज़नेस के रिगार्डिंग, तो हमें इन नए बिज़नेसेस को लगाना पड़ता है। तो ये कहता है कि नए आइडियाज़, नए इम्प्रूवमेंट्स, नए बिज़नेसेस आपके नए कस्टमर्स के साथ साथ नए मार्केट को भी ओपन कर देता है। ऐसे ही आता है शेयरिंग रिसोर्सेज। एंटरप्रेन्योर्स देखिए क्या है कि मैनेजमेंट उसको खुद ही कह रहा है कि आप नए आइडियाज़ डेवलप करिए, तो एंटरप्रेन्योर्स के तरह क्या है कि वो भी आइडियाज़ डायरेक्टली डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसा कोई बिज़नेस के जो ऑनर है, जिन्होंने मान लीजिए प्रिंटिंग बिज़नेस का स्टार्ट किया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिंटर का ऑर्डर देना पड़ेगा, टोनर, कॉपी पेपर, अदर चीज़ें, और उसको कई सारी चीज़ कॉस्ट के साथ अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। इसके अलावा उसको अपने कस्टमर्स भी बनाने पड़ेंगे, नई सर्विसेज देनी पड़ेंगी। तो प्रिंटिंग बिज़नेस जो है आज आपके लिए क्या है, जो हमने एग्जांपल लिया है प्रिंटिंग वाला, ये एक बिज़नेस का एग्जांपल था जिसमें उसने सप्लाई चेन में अपने को एक अपॉर्चुनिटी पाई और खुद का प्रिंटिंग बिज़नेस लगाया। तो चाहे एंटरप्रेन्योर हो चाहे इंटरप्रेन्योर हो, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू अपने रिलेशनशिप और चेन, सप्लाई चेन को उन्होंने क्या किया, अपने रिलेशनशिप के थ्रू उसको डेवलप किया और कंपटीटर कंज्यूमर्स के साथ वो लोग पहुँचे। ऐसे ही अगर हम देखें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए सबसे पहले आता है कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो पर्सन है जो कि खुद को अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है। एंटरप्रेन्योर क्योंकि एम्प्लॉई है ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए कर सकता है। यदि हम अप्रोच देखें तो उसमें इंटेंसिव अप्रोच है, जबकि एंटरप्रेन्योर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन खुद आपको अपलिफ्ट कर रही है कि आपको आइडियाज़ डेवलप करना है। एंटरप्रेन्योर को अपने रिसोर्सेज खुद डेवलप करने पड़ते हैं, उसको खुद रिसोर्स लगाने पड़ते हैं, जबकि एंटरप्रेन्योर के लिए कंपनी उसको रिसोर्सेज देती है। एंटरप्रेन्योर को कैपिटल भी खुद रेस करनी पड़ती है, जबकि एंटरप्रेन्योर को फाइनेंस बाय द कंपनी होती है। ऐसे ही एंटरप्रेन्योर के अंदर वो न्यू बिजनेस को एस्टेब्लिश करता है, जबकि एंटरप्रेन्योर के अंदर वो अपने ही बिजनेस या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए उसी बिजनेस के साथ उसको कर सकता है। ऐसे ही डिपेंडरी एंटरप्रेन्योर जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, जबकि इंटरप्रेन्योर कौन है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है। ऐसे ही एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको खुद रिस्क बियर करना पड़ता है, जबकि इंटरप्रेन्योर में ऑर्गेनाइजेशन रिस्क को बियर कर रही है। और एंटरप्रेन्योर क्या कहता है कि उसको अब मार्केट में पोजीशन बनाने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, जबकि एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या है कि जो करंटली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक मार्केट सेट है, वो वहाँ पे अपने उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम डिफरेंस देखें दोनों के बीच का, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो कि एंटरप्राइज क्रिएट कर रहा है, फाइनेंशियल रिस्क ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। ऐसे मैनेजर कौन है, मैनेजर एक वो इंडिविजुअल पर्सन है जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कंट्रोलिंग की और एडमिनिस्ट्रेशन की। एंटरप्रेन्योर किस चीज़ से फोकस करता है, बिजनेस के स्टार्टअप पे, जबकि मैनेजर उसके ऑपरेशन पे फोकस करता है। एंटरप्रेन्योर अचीवमेंट कर से मोटिवेट होता है, जबकि मैनेजर पावर से मोटिवेट होता है। एंटरप्रेन्योर के अंदर इनफॉर्मल अप्रोच होती है किसी भी टास्क के प्रति, जबकि मैनेजर को फॉर्मल स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर के में उसको मालिक का हक मिलता है, स्टेटस उसका ओनर होता है, जबकि एम्प्लॉय मैनेजर कौन होता है, वो एम्प्लॉय होता है। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट अगर माने तो उसको रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी मिलती है, जबकि मैनेजर को इन टर्म्स ऑफ सैलरी मिल रही है।
एंटरप्रेन्योर का जो डिसीजन मेकिंग है वो इंट्यूटिव होता है, क्योंकि वो बेस्ड होता है इंट्यूशन पे। जबकि एक मैनेजर, क्योंकि सब चीज़ें देख रहा है, रिसोर्सेज हैं, गाइडेंस करने वाले लोग होते हैं, तो वो कैलकुलेटिव रिस्क को लेता है। एंटरप्रेन्योर को क्रिएटिविटी और इनोवेशन ड्राइविंग फोर्स माना जाता है, जबकि एंटरप्रेन्योर को स्टेटस, जो वो जॉब पे काम कर रहा है। ऐसे ही वो एक रिस्क टेकर है और वो एक रेस अवर्स पर्सन माना जाता है। यदि हम दोनों के बीच की सिमिलैरिटी और डिफरेंशिएशन की बात करें, क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंशिएशन है? अगर हम पहले सिमिलैरिटी देखते हैं कि दोनों के दोनों एंटरप्रेन्योर हो चाहे एंटरप्रेन्योर हो, अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं, दोनों के यूनिक कंसेप्ट हैं, दोनों एज एन इंडिविजुअल चैंपियन के तौर पे काम करते हैं टीम के अंदर, दोनों के अंदर मैनेजरियल स्किल्स का होना ज़रूरी है, पैशन होना ज़रूरी है, बोथ पर्सन जो है फॉर्मेटिव स्टेज में होते हैं और टाइमली बेसिस पर इनको चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ता है। दोनों के लिए विंडो, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी की विंडो जो है ओपन है, और बस ज़रूरत है आपको सक्सेसफुली उस चीज़ को यूटिलाइज़ करने की। एंटरप्रेन्योर चाहे एंटरप्रेन्योर, दोनों ही वैल्यू दे रहे हैं क्रिएशन को, और दोनों की ही जवाबदारी है कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करने की। बोथ पर्सन कौन से हैं? रिस्क टेकर हैं। बोथ रिक्वायर एंटरप्रेन्योर डेवलप स्ट्रेटजीज, यानी क्रिएटिव स्ट्रेटजी दोनों के लिए चाहिए। दोनों के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं कि एम्बिग्विटी है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी मानी जाती है दोनों की केसेस में, और बोथ रिक्वायर हार्वेस्टिंग। विदाउट नॉलेज, विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट रिसर्च वो स्ट्रेटजीज डेवलप नहीं कर सकते। यदि डिफरेंस की बात करें दोनों के बीच में, एक एंटरप्रेन्योर अगर एक जो होता है वो रिस्क को लेता है, जबकि एंटरप्रेन्योर के बदले में रिस्क कंपनी ले रही है। एंटरप्रेन्योर अपना स्टार्टअप खुद स्टार्ट कर रहा है, जबकि एंटरप्रेन्योर के अंदर वो बिज़नेस के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, तो हो सकता है कि बिज़नेस के खुद के कुछ राइट्स हों, कॉपी राइट्स हों। ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप में उसको रिवार्ड मिल रहा है अनलिमिटेड, क्योंकि प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, जबकि एंटरप्रेन्योर में उसको कंपनसेशन या सैलरी इंक्रीमेंट या बोनस ही मिल सकता है। स्टार्टअप में या एंटरप्रेन्योर के तौर में इसको क्या है कि एक तरीके से अगर मान लीजिए वो कहीं फेलियर हो जाता है, कहीं उसको दिक्कत आ जाती है, तो वो उसका रिस्क है। जबकि एंटरप्रेन्योर के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले से ही प्रोएक्टिव होते हुए सोच के चलती है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो एंटरप्रेन्योर है वो थोड़ा सा आउटसाइड इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा उसको होता है, जबकि एंटरप्रेन्योर में क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन में है, कहाँ कहाँ रह के काम कर रहा है, तो उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो यही बच्चों हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।